नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार प्रेम देख करके बड़ा आनंद आता है और आपके विचारों को मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो में डालूं। एक बहन ने मुझे बड़ा सुंदर सा सुझाव दिया कि आचार्य जी, आप उसमें थोड़ी सी कथाएँ भी डाला करो, क्योंकि कथाओं के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, इस बार भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी कथा है, भगवान कृष्ण की नीति। वैसे तो दो नीतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक विदुर नीति और दूसरी चाणक्य नीति। दोनों नीतियों को पूरा संसार समझता है, उन नीतियों पर चलता है, और यदि उन नीतियों के ऊपर आप चलोगे तो आपको बड़ी लाभ मिलेगी। विदुर नीति एक सात्विक नीति है, सत्य के ऊपर आधारित है। विदुर जी महाराज जब देखते थे कि गलत हो रहा है तो विदुर जी महाराज अपना निर्णय दे करके, और जब उनका निर्णय नहीं माना जाता था तो दुखी होकर के चले जाते, वाद्य नहीं करते थे किसी को। चाणक्य नीति में ऐसा है कि जीवन को कैसे सरस हम करें, बड़ा अच्छा सुंदर स्पष्ट दिया है उन्होंने। धनानंद के राज्य को चंद्रगुप्त के द्वारा नाश कर दिए और चंद्रगुप्त को पूरे विश्व का सम्राट बना करके अधिष्ठाते कर दिया। वही चाणक्य जिसके एक शब्द एक विचारों से चंद्रगुप्त जो है इतना बड़ा सम्राट बना। इतिहास गवाह इस चीज का, जब जब किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, जब जब किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया, उसने उस प्रेशर को झेल करके एक नई दिशा, एक नई दृष्टि, एक नई सोच विचार जो है समाज को दी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में, महाभारत में विदुर महाराज की बड़ी सरल रीतियां हैं और विदुर नीति इतनी सरस है कि आम जन यदि उसको जीवन में धारण करे तो सुख की प्राप्ति हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा जो कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होनी चाहिए। कई बार आप कर्म छोटा करते हैं लेकिन फल की प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है। आपके पिछले जन्म के या पिछले अच्छे कर्म के पुण्यों के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए छोटे छोटे जो शुभदायक कर्म आप करते हो उससे जीवन के अंदर बड़ा आनंद प्राप्त होता है। ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, अति भीषण गर्मी चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं के हिसाब से, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा मानस पटल है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, विभिन्न प्रकार, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बरसात हो रही, और कहीं गर्मी इतनी है कि उस गर्मी को यानी 42 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच गई। तो उस 45 डिग्री को कम करने के लिए, भीषण गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ जीवन के अंदर जरूर लगाइए। वैसे तो कहा गया है कि प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगाने चाहिए प्रतिवर्ष, और जैसे जैसे वर्ष आयु बढ़ती जाती है उसी प्रकार से आपका यह जन जीवन भी सफल होता चला जाएगा। आप अनेक जंगलों को काट करके हम देख रहे हैं कि उससे भीषण गर्मी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बना रही है। इस गर्मी के द्वारा समय आएगा जब हम तरस जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर उद्देश्य जरूर रखें कि आप जो है पेड़ों का संरक्षण करें। साथ ही साथ, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जल का स्रोत भी क्षीण होता चला जाता है, और ये जल यदि क्षीण हो गया तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। कहते हैं जल ही जीवन है, और जब तक जल है तब तक हमारा जीवन है, और जिस दिन यह जल समाप्त हो गया जीवन भी समाप्त हो जाएगा। साथियों, मेरे इन विचारों को अपने जीवन में धारण करें और कोशिश करें कि छोटे छोटे पग से आप जीवन को आगे चलाएं। इस गर्मी में पक्षियों के लिए जल रखें,
दाना रखें, चारा रखें, गौ माता को चारा इत्यादि दें, क्योंकि सूख जाता है, वनस्पति सूख जाती है, पशुओं को मिलता नहीं है खाने के, तो बड़ी दुविधा हो जाती है। ऐसी दुविधा के समय में आप छोटा छोटा सहयोग दोगे। वो एक कथा आती है, एक बार एक राज्य में जो है भीषण गर्मी पड़ी, राजा जी ने राजपुरोहित को बुलाया, एक विद्वान आए, उन्होंने देखा और राजा से कहा कि जो आपके यहाँ कुआं है ना, उस कुएं को दूध से भर दो तो बरसात हो जाएगी। राजा ने पूरे अपने साम्राज्य में मुनादी करा दी कि इस कुएं में रोज प्रत्येक घर से एक एक लोटा दूध का उसमें डाल। अब रात्रि को डालना था, प्रातःकाल तक होना चाहिए था। लोगों ने सोचा मैं जल डाल देता हूं, दूध की क्या जरूरत है। ऐसे सभी ने सोचा एक करके और उस कुएं में जो है पानी डाल दिया। सिर्फ एक छोटा सा बालक था, उस बालक ने अपना जो दूध मिला था उसे माँ राजा का वो है संबोधन है, इसलिए मुझे ये दूध वहाँ डालना है। और ऐसा सोच करके उसने एक लोटा दूध का उस पानी में डाल दिया। भगवान की कृपा से प्रातःकाल जब देखा तो सिर्फ एक लोटा दूध का हो रखा था। भगवान ने उस बालक के उस प्रेम को देख करके बरसात तो कर दी। ध्यान दीजिएगा, जो नियम बने हुए हैं, जो आदेश दिया गया है, उसका यदि पालन पूरा नहीं होगा तो कहां से सफलता मिलेगी। इसलिए नियमों का पालन करना हमारे जीवन के अंदर धैर्य धारण करने जैसा है, क्योंकि आप जैसे दूसरों से चाहते हो, अपेक्षा करते हो कि दूसरे मेरे विचारों को इस प्रकार से धारण करें, तो स्वयं भी उन विचारों को धारण करना चाहिए। कहा भी गाया गया, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें, ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो, बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, ऐसा शुभ कर्म करें नहीं दोष बुराई से, ऐसा शुभ कर्म करें नहीं दोष बुराई से, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें। जीवन के अंदर सरस भाव से ऐसा ही रहना चाहिए। एक आचार्य कहीं कथा कर रहे थे और बैंगन के ऊपर वार्तालाप कर रहे थे कि बैंगन भय का रूप उत्पन्न कर देता है, दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है लेकिन ये बैंगन जो है कई प्रकार की विकृत भाव कर देता है, विकार दे देता है शरीर। उनकी पत्नी भी उस कथा को सुन रही थी और कथा समाप्त हुई, उसके बाद पत्नी गई, जितने घर में बैंगन थे सब बाहर गौ माता को दे के आ। पतिदेव को बैंगन बड़े प्रिय लगते थे, घर पे आए, पत्नी से कहा आज भरता बना दीजिए बैंगन का। पत्नी ने कहा मैंने तो सब गाय को दे दी, आप ही तो कथा में कह रहे थे। भाई सबसे पहले जो जीवन के अंदर है स्वयं के अंदर सुधार करें, तभी हम दूसरे को शिक्षा दें, उस शिक्षा का बड़ा फल मिलता है, बड़ा लाभ होता है। कोई बालक मीठा खाता था तो उसकी माता उसको लेकर के महाराज जी के पास गई
संत महात्मा थे, उनके पास गई। महाराज जी बहुत मीठा खाता है, बालक को देखिए, कुछ शिक्षा दीजिए। महाराज जी ने कहा कि देवी ऐसा करना, हफ्ते के बाद आना। हफ्ते के बाद आई, महाराज जी देखिए, अरे देवी अभी 15 दिन और लगेंगे। 15 दिन के बाद गई, अरे देवी 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद गई तो बाबा जी ने उस बालक को लिया और बड़े प्यार से सहलाया, बड़े प्रेम से कहा, बेटा मीठे खाने से पेट की आंतड़ियाँ खराब हो जाती हैं, दस्त लग जाते हैं, शरीर में फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, जिससे पेट का विकार होता है। अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। अब जो बच्चे की माता जी थी बड़ी गुस्से में आई, अरे बाबा जी इतनी बात थी तो बता देती पहले ही, आज बता रहे हो 1 महीने के बाद। महाराज जी कहने लगे, देवी मैं स्वयं भी मीठा खाता था, पहले मैंने 1 हफ्ते तक कोशिश की लेकिन नहीं रुका, 15 दिन और कोशिश की नहीं रुका, आज 1 महीने के बाद ये चेतना हुई कि मीठे से जो जो नुकसान हो रहे थे मैंने वो बताए। तो जीवन में सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली उसको धारण किया, और जब प्रैक्टिकली मेरे शरीर के अंदर जो धारण किया, जो विकार थे, जो रोग थे, उनको मैंने बताया, इसके अंदर वही प्रभाव पड़ेगा ये बालक ने। इसीलिए पहले हम खुद सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। स्वयं सुधरेंगे तभी तो औरों का सुधार करेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए मैं इस सप्ताह के फलादेश पे चलता हूँ। 24 जून से लेकर के 30 जून तक मेष राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा शारीरिक विकार देता है, कष्ट देता है। आप भी अपने खान पान पर ध्यान रखिए, जो नहीं खाना है मत खाइए, कष्ट होगा। और करना क्या है इस सप्ताह के अंतर्गत, यदि आप कर सकते हो तो गौ सेवा कीजिए, भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से आपके सभी प्रकार के विकार दूर होंगे। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ये सप्ताह ये समझ लीजिए आपके लिए बड़ा सुंदर है, बड़ा उत्तम। इस सप्ताह को आनंद में प्रतिभोग कीजिए, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, सामान्य भाव से देखा जाए तो सप्ताह के अंतर्गत न ज्यादा लाभ हो रहा है न नुकसान, सम रहेगा, सहयोग प्राप्त तो होगा, परिवार में सुख रहेगा और आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, वाहन का सुख प्राप्त तो होगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, नई विचारधारा बनेगी, नए नए विचार मन में आएंगे, लाभदायक रहेंगे। बात कीजिए, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या राशि वालों के लिए साथ ज्यादा समय अच्छा नहीं कहा गया, कष्टकारी है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कोई आपका नुकसान कर सकता है, इसलिए सचेत रहें। वाणी से किसी को गलत बात न कहिए, नहीं नुकसान होगा, परेशानी उत्पन्न होगी। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनका मन शीतल करे, आपहु शीतल हो। ये सप्ताह करना क्या है, भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उत्तम है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, शुभ समाचार मिलने के पूर्ण योग हैं, उन्नति कारक समय। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, परेशानी कारक है, वाहन से कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकती है, सचेत रहें, कोई आपको धोखा दे सकता है, घर के अंदर कलह हो सकता है, परेशानी उत्पन्न होगी, इसलिए इस सप्ताह भगवान शंकर जी की आराधना करें। भगवान शंकर जी आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम शैतम नमः, या ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार बोलिए, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाइए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, लाभ पूर्ण मिलेगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं महाराज, पीछे से भी परेशानी आ रही, इस समय भी परेशानी हो रही है, दुविधा में मन रहेगा, करूं या ना करूं, ऐसा कोई कार्य आपके जीवन के अंदर आएगा जिससे रुकावट पड़ेगी, इसलिए सचेत रहें, सोच समझ के कार्य करें। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत, गौ माता की सेवा कीजिए,
या वृद्ध आश्रम में जाइए, जहाँ पे अपंग आश्रम में जाइए, वहाँ पे दान कीजिए, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है मित्रों, पूर्ण सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलता है, धन का ऐश्वर्य का प्राप्त होगा, सुखद जीवन चल रहा है। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, लाभकारी समय। सभी राशि वालों ने इस समय करना क्या है, इस समय अगर करना है अंध आश्रम में जाकर के, या अपंग जहाँ रहते हैं या वृद्ध आश्रम जहाँ रहते हैं, जितनी आपकी कोशिश हो सकती है फल फूल का दान करें, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जल का दान करें, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।